हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता था क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और जवाब ये, मतलब ये क्वेश्चन है और उसके ऊपर मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। और क्वेश्चन ये है कि क्यों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जो है वो फ्रेशर्स को नहीं लेती है या फ्रेशर्स को लेने से बचती हैं। इसके कुछ रीजंस हैं, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। मतलब मैं आपको जो मैनेजमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो फार्मा इंडस्ट्री में जो मैनेजमेंट है जो रिक्रूटमेंट करता है फ्रेशर्स का, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके और आप इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो सके और एज ए फ्रेशर आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं उसको आप जान सके फार्मा इंडस्ट्री के नजरिए से। तो काफी इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स होंगे। कुछ पॉइंट्स तो आप जानते हैं क्योंकि अगर आप मेरे पुराने कुछ वीडियोस अगर आप देख रहे हैं जॉब से रिलेटेड या इंटरव्यू से रिलेटेड, तो वहां पर भी मैंने इन सभी पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो कुछ पॉइंट्स तो मिलते जुलते हैं, बट इस वीडियो के अंदर कुछ नए पॉइंट्स को भी मैं ऐड करूंगा और मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि क्यों फार्मा इंडस्ट्रीज फ्रेशर्स को लेने से बचती हैं या उनको लेती ही नहीं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर जो वर्किंग कल्चर होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होता है हमारे कॉलेज से। जब हम कॉलेज में बी फार्मा करते हैं या डी फार्मा करते हैं या एम फार्मा करते हैं, तो कॉलेज का वर्किंग कल्चर और फार्मा इंडस्ट्री का जो वर्किंग कल्चर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि हम कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं कॉलेज में, मान लीजिए, तो ना हम प्रैक्टिकल के अंदर कोई सीजीएमपी फॉलो कर रहे हैं, ना जीएमपी फॉलो कर रहे हैं, ना हमारी जो लेबोरेटरीज होती हैं वो जीएलपी को फॉलो करती हैं। कई जगह तो मैंने ये भी देखा है कि बच्चे जो होते हैं वो ग्रुप के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, ग्रुप में चार लड़के तीन लड़के उस ग्रुप के अंदर होते हैं, जो हम कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल कर रहे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, और उस ग्रुप के अंदर भी केवल एक लड़का जो है वो सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिकल कर रहा है, वही पिपेटिंग कर रहा है, वही वेइंग कर रहा है, वही इंस्ट्रूमेंट हैंडलिंग कर रहा है, वही लड़का कैलकुलेशन कर रहा है और रिजल्ट प्रिपेयर कर रहा है, बाकी लड़के जो होते हैं वो टाइम पास करते हैं। कई लड़कों तो कॉलेज के अंदर मैंने मोबाइल चलाते हुए भी देखा है। तो ये जो गलतियां होती हैं, ये एक बहुत बड़ी गलतियां होती हैं बच्चों की। और जब वो इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो यहां पर होता ही है कि जब आप इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे तो आपको इंडिविजुअली काम करना है, वहां पर कोई ग्रुप नहीं है, वहां पर कोई आपका काम करने वाला आने वाला नहीं है, वहां पर आपको सभी चीजें आपको खुद करनी है, आप ही को पिपेटिंग करनी है, वेइंग करनी है, कैलकुलेशन करना है, इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडलिंग करनी है। तो जो लड़का कॉलेज के अंदर सीरियस नहीं होता है, ना वो सीरियसली प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है और बिल्कुल भी सीरियसली नॉलेज गेन नहीं करता है, ना कोई स्किल डेवलपमेंट करता है अपनी, तो वो फिर बाद में इंडस्ट्री में काफी ज्यादा सफर करता है और उसकी वजह से इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट भी सफर करता है। इस वजह से ये चीजें जो होती है ना, वो फार्मा इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट को पहले से पता होती है, उनके एचआर को पता होती है, जिस वजह से वो लोग फ्रेशर्स को लेने से बचते हैं। ठीक है, होगी बात। तो यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री का वर्किंग कल्चर हमारे कॉलेज में जो एजुकेशन है, जो टीचिंग का स्टाइल है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और होगा भी, क्योंकि हमारी जो फी स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से नहीं है कि वो इंडस्ट्री वाला माहौल हमको कॉलेज के अंदर दे सके। अगर कोई भी कॉलेज इंडस्ट्री वाला कल्चर अगर बच्चों को देने की कोशिश करेगा तो आप मान लीजिए कि फी जो होगी ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब फी जो आप अभी पे कर रहे हैं ना उसका 10 गुना बढ़ जाएगी, और उतनी फी हमारे बच्चे जो है वो दे नहीं सकते हैं। इस वजह से हमारे कॉलेजेस जितने भी हैं उनकी गलती नहीं है, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो इंडस्ट्री वाला जो माहौल है, जो एनवायरमेंट है, वो डेवलप नहीं कर पाते हैं और यहीं पे हमारे जो लड़के होते हैं वो लैग कर जाते हैं और वो अपने से भी काफी गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में वो लोग सफर करते हैं। और यही चीज जो इंडस्ट्री का मैनेजमेंट होता है उसको पता होती है, इसी वजह से जो मैनेजमेंट होता है, खासकर जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो फ्रेशर्स को लेने से बचता है। यहां पर मैं एक चीज जो अभी मैंने अभी डिस्कस की वही मैं आपको बता दूं कि अधिकतर कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे होते हैं, जब वो इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो वो डिग्री तो ले लेते हैं, चाहे वो बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, एम फार्मा हो, बट वो अपनी डिग्री के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। जिस जो डिग्री उन्होंने ली है वैसा उनके पास ना स्किल होता है ना नॉलेज होता है। स्किल से मतलब है इंस्ट्रूमेंटेशन हैंडलिंग, पीपेटिंग, वेइंग, कैलकुलेशन, जो उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, जिसका उनको नॉलेज होना चाहिए, वो इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और फिर बाद में इंडस्ट्री को उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको सैलरी भी देनी पड़ती है, और उसके बाद भी वो काफ़ी बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। तो इंडस्ट्रीज कोशिश करती हैं कि फ्रेशर्स को ना लेके पहले से ही ट्रेंड पर्सन को लिया जाए या एक्सपीरियंस पर्सन को लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कमी मैंने देखी है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो उनको लेने से बचती हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे फ्रेशर्स होते हैं,
वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं इंडस्ट्री के लिए। मतलब इंडस्ट्री के अंदर जो वर्क होता है बेसिकली वो अप टू डेट होता है, टाइम टू टाइम होता है, आपको शिफ्ट में काम करना पड़ता है और टाइम की बहुत ज़्यादा पाबंदी होती है। वहीं जो हमारे कॉलेज के अंदर जो कल्चर होता है वहाँ पर क्या होता है कि टाइम की कोई टेंशन नहीं है, प्रैक्टिकल हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बच्चे बैग उठा के घर चले जाते हैं, साइन भी नहीं कराते हैं, प्रैक्टिकल फाइल भी टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं। और ये जो उनका वर्किंग कल्चर होता है, ये जो उनकी आदतें होती है ना, ये फिर जब वो इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पाते। उनका जो मेंटली जो उनका जो दिमाग है ना वो कॉलेज के हिसाब से हो जाता है, ठीक है, मतलब कॉलेज के हिसाब से वो गैर जिम्मेदाराना हो जाते हैं। और जब वो इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं और वहाँ का जो वो वर्किंग कल्चर देखते हैं कि यहाँ पर टाइम की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, यहाँ पर हर चीज़ अपडेटेड होती है, सब टाइम के साथ होती है और यहाँ पर गलती नहीं करने की 0% चांसेस होते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, ये कई लड़के जो होते हैं वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और कई लड़के जो होते हैं वो सिलेक्ट होने के बाद में इस वर्किंग कल्चर के अंदर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और नौकरी छोड़ भी देते हैं या कंपनियां उनको निकाल देती हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कंपनियां या फार्मा इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो फ्रेशर्स को नहीं लेती हैं। तो हमको क्या करना है कि हमको शुरू से जब हम कॉलेज के अंदर रहें तो हमको कॉलेज के अंदर ही अपना वर्किंग कल्चर ऐसा रखना है कि हम इंडस्ट्री के अंदर परेशान ना हो, मतलब हमको स्टार्टिंग से ही बिल्कुल इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होना है। तो चलिए अब हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी कोई फ्रेशर किसी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर रिक्रूट होता है तो सबसे पहले उसका ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड जो होता है बेसिकली वो 6 महीने का होता है और उसके बाद उसका प्रोबेशन पीरियड होता है, वो भी 6 महीने का होता है और उसके बाद वो परमानेंट होता है, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग पीरियड होता है यहाँ पर वो ना वर्क कर सकता है ना वो सिग्नेचर कर सकता है, वो एक ट्रेनी की तरह काम करता है और उस ट्रेनी रहते हुए उसको इंडस्ट्री को सैलरी भी देनी होती है, ठीक होगी बात। तो यहाँ पर वो किसी टाइप का काम नहीं कर रहा है, वो ट्रेनिंग कर रहा है बट पूरी सैलरी भी ले रहा है। इंडस्ट्रीज इन सारी चीज़ों से बचती हैं क्योंकि वो फ्री फोकट में किसी को सैलरी नहीं देना चाहती और ना वो ट्रेनिंग देना चाहती हैं, क्योंकि ट्रेनिंग लेने का काम आपका कॉलेज के अंदर था, कॉलेज के एजुकेशन में था, बट बच्चे मैंने आपको बताया है कि उनका जो वर्किंग कल्चर होता है कॉलेज के अंदर वो बिल्कुल अप टू डेट नहीं होता है कि वो इंडस्ट्री के अंदर एडजस्ट कर पाए, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज उनको ट्रेनिंग देती हैं। और यहीं पर जब ये ट्रेनिंग पीरियड होता है 6 महीने का, जब वो इंडस्ट्री से सैलरी लेते हैं तो वहीं पर वो काफ़ी बड़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक भी करते हैं। कई लड़के लेट होते हैं, छुट्टियां लेते हैं, अनयूजुअल छुट्टियां ले लेते हैं, बीच में से गायब हो जाते हैं और बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं। इससे होता यह है कि डिपार्टमेंट के अंदर वर्किंग कल्चर में इफेक्ट होता है और कई बार डिपार्टमेंट जो होते हैं वो सफ़र भी करते हैं। वहीं अगर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट आता है तो उसको केवल 2 महीने का प्रोबेशन पीरियड दिया जाता है और 2 महीने के बाद वो परमानेंट होकर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आप समझे तो इंडस्ट्रीज का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो उनका जो मैनेजमेंट है, जो एचआर डिपार्टमेंट है, उसको ये सारी चीजें पता है कि अगर हम फ्रेशर को लेंगे तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। और ये भी निश्चित नहीं है या क्लियर नहीं है कि ट्रेनिंग लेते वक्त क्या वो ट्रेनिंग लेगा, ऐसा तो नहीं है वो ट्रेनिंग ले 2 महीने की और उसके बाद वो छोड़ के भग जाए, ठीक है, और उसकी सैलरी भी जाएगी। तो ये सब चीजें होने की वजह से कई बार एचआर जो होता है, जो इंडस्ट्री का मैनेजमेंट होता है, वो फ्रेशर्स को लेने से बचता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज इंडस्ट्रीज जो है, फार्मा इंडस्ट्रीज है, वो फ्रेशर्स को कम रिक्रूट करती हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया के अंदर आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जनसंख्या है और कितने ज़्यादा बेरोजगार लोग घूम रहे हैं। इस वजह से क्या होता है कि एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होते हैं ना, वो काफ़ी कम सैलरी में जॉब करने के लिए, मतलब जो किसी एक कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट मान लीजिए उसके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है और वो किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहता है, तो होता यह है कि कई लड़के ऐसे होते हैं कि एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी वो कम सैलरी के अंदर किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। रीज़न अलग अलग होता है। कई लड़के ऐसे होते हैं कि वो किसी छोटी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक्सपीरियंस ले लिया है और वो अब किसी बड़ी कंपनी के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी USFDA अप्रूव्ड कंपनी में, तो उस वजह से उस लालच के अंदर वो कम सैलरी के अंदर उस कंपनी में शिफ्ट कर लेते हैं। तो होता ये है कि जब कोई लड़का, मतलब अगर किसी कंपनी को अगर कम पैसों के अंदर कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिल रहा है तो वो फ्रेशर्स को क्यों लेंगे? कंपनी का फ्रेशर्स को लेने का केवल एक ही रीजन होता है कि फ्रेशर जो होते हैं वो काफी कम सैलरी के अंदर काम करने में तैयार हो जाते हैं, बट भारत के अंदर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं वो भी काफी कम सैलरी के अंदर वर्क करने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से जो एचआर होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्राथमिकता देता है, चाहे वो छोटी कंपनी से ही आए क्यों ना हो, बट उनको वर्किंग कल्चर का तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है, जिस वजह से वो लोग काफी जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं कंपनी के अंदर। वहीं जो फ्रेशर होता है उसको एडजस्ट करने में काफी टाइम लगता है और कई बार तो एडजस्ट नहीं कर पाता है। यही रीजन है कि कंपनीज जो होती हैं वो फ्रेशर्स की जगह एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ज्यादा तरजीह देती हैं और प्राथमिकता देती हैं। उसके अलावा एक और बड़ा रीजन है जो मैंने हमारे जितने भी कंपनी में जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनके साथ मैंने बात करी है और उन्होंने मेरे अपने एक्सपीरियंस जो शेयर करे हैं, सारे पॉइंट्स उन्हीं के थ्रू मुझे पता चले हैं। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया कि जो लड़के इंटरव्यूज के अंदर आते हैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, वो बिल्कुल नॉन सीरियस होते हैं।
नॉन सीरियस का मतलब ये होता है कि वो किसी भी टाइप की तैयारी करके नहीं आते हैं, बस वो आके बैठ जाते हैं। मतलब ऐसा है कि उन्होंने रिज्यूम का प्रिंटआउट निकाला, बाल कटवाए, दाढ़ी बनाई, उधार के कपड़े लिए, उधार के जूते लिए, पॉलिश किए और इंटरव्यू में चले गए। अब वहां पर जैसे ही पहला क्वेश्चन दागा जाता है, दागा का मतलब पूछा जाता है, तो बिल्कुल सन नील बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं आता है। और ऐसे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर वो नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी उनको वहीं से रिजेक्ट कर देती है, या जो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, जो एचआर होता है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उनको ऐसा लगता है कि ये बंदा तो जॉब के लिए सीरियस ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों के लिए बात कर रहा हूं, लड़की के लिए भी बात कर रहा हूं, लड़कों के लिए भी बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इससे मैं बंदा वर्ड यूज कर रहा हूं, तो इससे ये ना लगे कि मैं केवल लड़कों के लिए बात कर रहा हूं, मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूं, लड़के और लड़कियां इसके अंदर दोनों आते हैं। तो लड़के जो होते हैं बेसिकली वो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो ये गलती तो स्टूडेंट की, इसमें कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती है। वो हमेशा मुझसे ये बात कहते हैं कि अगर लड़के इंटरव्यू के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ आए, काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो हम जरूर उनको लेंगे, बट अगर हमको उनके अंदर कोई बात ही नहीं लगेगी, तो हम उनको अपनी लेके अपनी कंपनी का नाम क्यों खराब करेंगे और परेशान क्यों होंगे। तो सबसे बड़ी गलती भी यही है कि लड़के जो होते हैं वो इंटरव्यू के अंदर आ तो जाते हैं, बट बिल्कुल नॉन सीरियस होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो ये चीज हमको सुधारनी पड़ेगी और इसके अंदर डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है, ये मैं अपने आप से बता रहा हूं आपको, कि फ्रेशर्स को जॉब क्यों नहीं मिलती है, उसमें एक रीजन है रेफरेंस कल्चर। हमारे यहाँ फार्मा इंडस्ट्रीज के अंदर रेफरेंस कल्चर बहुत हावी होता है। मतलब ज्यादातर नौकरियां जो होती हैं वो फार्मा इंडस्ट्री में जो लोग पहले से ही काम कर रहे हैं उनके जान पहचान वालों को नौकरी जल्दी मिल जाती है। मतलब जैसे आपका कोई सीनियर है, कॉलेज का सीनियर है, वो फार्मा इंडस्ट्री उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो सीनियर जूनियर के रिलेशन के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। या आपकी कोई फैकल्टी है वो वहां पर जॉब कर रही है, या आपका कोई फलाना रिलेटिव है वो काम कर रहा है, तो वो देखिए रिलेटिव अगर ब्लड रिलेशन है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती है, बट वो बंदा किसी दूसरी कंपनी में तो आपको पहुंचा सकता है। ठीक है, जैसे आपके कोई अंकल काम कर रहे हैं या आपके फादर वहां उस फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर उसी इंडस्ट्री के अंदर जॉब नहीं कर सकते, बट उनके रिलेशन दूसरी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से जरूर होते हैं, तो वो अपने रिलेटिव्स को या अपने बच्चों को किसी और कंपनी में लगा देते हैं। ठीक हो गई बात। उसके अलावा ये भी देखा गया है कि इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेज है, काफी बड़े जो कॉलेजेस हैं, वो ही अपने यहाँ पर कैंपस करवाते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं, और वहीं से बच्चे सिलेक्ट कर लिए जाते हैं। तो जो छोटे कॉलेजेस हैं या कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर बेसिकली कैंपस नहीं जा पाते हैं, तो वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके सिलेक्शन होने के चांसेस काफी कम होते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीजन रेफरेंसिंग भी है, तो ये एक रेफरेंसिंग एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज हमारे जो बच्चे हैं, खासकर जो फ्रेशर्स हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाती है, क्योंकि अंदर ही अंदर सेटिंग हो जाती है और अंदर ही अंदर लड़कों को जॉब मिल जाती है। हो गई बात क्लियर। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता था और बताना चाहता था कि क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से फ्रेशर्स को फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब नहीं मिल पा रही है। क्योंकि मुझको काफी मेल भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम के अंदर डीएम भी हो रहे थे, और बच्चे पूछ रहे थे कि हम फ्रेशर्स हैं और हमको जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं इन पॉइंट्स के थ्रू ये क्लियर करना चाहता था कि मैं आपको दोनों पॉइंट मैंने आपको बताया कि हमारी क्या गलती हो रही है, मतलब बच्चों की क्या गलती है और मैनेजमेंट क्या चाहता है। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप समझेंगे तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे जॉब के लिए और आपको इजीली जॉब मिल सकेगा। ठीक हो गई बात। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मैं जो आपको ये बात पहुंचाना चाहता था ये बात आप तक पहुंच गई हो, और अगर पहुंच गई है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं आगे चल के भी इस टाइप की वीडियो जरूर बनाऊं। और अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड मैं और भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आने वाले समय पे इस टाइप के इससे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो उसकी लिस्ट मैं आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है, और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट
जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।